निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर आतिशी को नोटिस भेजा है और उनसे सोमवार तक जवाब तलब किया है। आचार संहिता का उल्लंघन है और जिस तरह से बिना किसी पुष्टि के इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, ये वोटरों को बरगलाने वाली बात है। आदर्श आचार संहिता के मुताबिक उन्हें ऐसी कोई चीज जिससे वोटरों को बरगलाया जा सके, उनकी सोच को प्रभावित किया जा सके, उनको बरगलाया जा सके, ऐसी कोई झूठी सूचना या अफवाह, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मर्लिना को अब निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब देना है। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर आतिशी को नोटिस भेजा है और उनसे सोमवार तक जवाब तलब किया है। सोमवार को 12 बजे दोपहर तक आतिशी को जवाब देना होगा। मसला ये है कि 2 अप्रैल को आतिशी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैंने आम जनता को पहले भी एक दिन पहले ट्वीट करके बताया था कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने हमसे संपर्क किया है और उन्होंने कहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें तो आपके लिए बढ़िया होगा, और अगर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप देख ही रही हैं कि नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं, आप अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें तो आपका करियर यूं ग्राफ चढ़ जाएगा। इस पर बीजेपी ने 4 अप्रैल को निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराई है, जिस शिकायत में उन्होंने ये कहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है और जिस तरह से बिना किसी पुष्टि के इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, ये वोटरों को बरगलाने वाली बात है। निर्वाचन आयोग ने आतिशी के नाम जो नोटिस जारी किया है उसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता के कई प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि उसमें यह साफ किया गया है कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल का नेता, उम्मीदवार या स्टार प्रचारक इस तरह के बयान नहीं देगा जिससे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत उसकी पहचान पर कोई छवि खराब होती हो, कोई अपुष्ट चीज नहीं होगी उसमें, तथ्यों की पुष्टि किए बिना कोई ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही ये भी उम्मीद की जाती है कि आदर्श आचार संहिता के मुताबिक उन्हें ऐसी कोई चीज़ जिससे वोटरों को बरगलाया जा सके, उनकी सोच को प्रभावित किया जा सके, उनको बरगलाया जा सके, ऐसी कोई झूठी सूचना या अफवाह, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसमें उनसे ये कहा है कि आखिर उन्होंने ये जो बातें कही हैं इसके पीछे उनके पास क्या तर्क और तथ्य हैं वो बताएं, और सोमवार 12 बजे तक आतिशी को ये तमाम जानकारी देनी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आतिशी अपने जवाब में अपने बयान को कैसे जस्टिफाई करती हैं, वो देखने वाली बात होगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। चुनाव आज तक के लिए दिल्ली से संजय शर्मा।